नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। और सबसे पहले मैं अपने पिताजी को नमस्कार, प्रणाम बाबूजी। मुझे पता है आप मुझे देखते हैं, अच्छा लगा कि आप मेरी हर वीडियोस को देखते हैं। इसलिए आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आज जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, सिर्फ आपकी वजह से हूँ। कोशिश कर रहा हूँ आपके जैसा बनने का, क्योंकि आप, मुझे पता है मैं आपका हीरो हूँ, लेकिन आपको एक बात बता दूँ, आप मेरे सुपर हीरो हैं। ठीक है, तो आपको प्रणाम। तो ठीक है दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक है ये हमारा है CWC का, मतलब सेंट्रल वेयर हाउसिंग जो कॉरपोरेशन है। तो उसमें कुछ वैकेंसीज़ आई थी और कुछ लोगों ने मैसेज किया कि आप इस वैकेंसीज़ के लिए क्या सर हमारे लिए कुछ अवेलेबल है, कुछ स्टडी मटेरियल क्रैश कोर्स। इसका एग्ज़ाम जो है मई तक हो जाएगा, मतलब आपके पास हार्डली 45 to 60 days है आपके पास। इस 45 to 60 days के अंदर आप क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं और हम क्या दिलवा सकते हैं आपको, उसका थोड़ा सा देखते हैं, चर्चा करते हैं। और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप ज़रूर ज्वाइन करें इस चीज़ के बारे में। तो अभी हमारी जो चर्चा चल रही है वो है CWC के बारे में। CWC में कुछ पोस्ट है जो कि मैं देख लेता हूँ, एक बार बता देता हूँ आपको। आपको पता होना चाहिए था कि इसका जो 16 तारीख को लास्ट डेट थी, 16 मार्च को इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब इसका एडमिट कार्ड आने वाला है आपका। पहला था जूनियर सुपरिटेंडेंट का, ये 68 पोस्ट जनरल में थी। टोटल पोस्ट जो थी इसकी काफ़ी ज़्यादा थी, 155 पोस्टिंग टोटल पोस्ट, काफ़ी अच्छा है। बैचलर डिग्री सिर्फ इसमें था। इसके बाद उसमें सुपरिटेंडेंट था जनरल के बारे में, और भी बाकी पोस्ट थी, हिंदी ट्रांसलेटर वगैरह की पोस्ट वगैरह थी। मेरे पास अभी जो हमारे पास जो अवेलेबल है, जो टेस्ट सीरीज वगैरह और जो क्रैश कोर्स, वो है जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए। तो जो लोग जूनियर सुपरिटेंडेंट भर रखे हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, जूनियर सुपर इंटेंडेंट, ठीक है। ये जो इनमें जो टोटल पोस्ट थी 155, और इसका जो सिलेबस की डिस्कशन करते हैं हम, थोड़ा सा सिलेबस में क्या पूछेगा। जरूरी नहीं कि हर कोई मेरी क्लास ज्वाइन करे। तो थोड़ा सा अगर आप लोग तैयारी कर रखे हैं, अगर आपको लगता है कि आप इस पे, मतलब आपकी बेहतर प्रिपरेशन है, तो आप इसको मतलब समझ लें पहले। इसके लिए चलते हैं सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन पर। नोटिफिकेशन में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है ये जानना कि इसका सिलेबस क्या है, इसके सिलेबस में पूछेगा क्या क्या, कौन से सेक्शंस को करने हैं और कौन सेक्शन को नहीं करने हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब इसकी जो चर्चा जब करेंगे तो हमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें कि कौन से टॉपिक को ज़्यादा छूना है। क्योंकि सबसे पहले मैं ये जो CWC में जो लोग पहले जो पेपर हो चुके हैं, वो पहले पूरा पेपर एनालिसिस करने के बाद, बाकी कुछ जो स्टूडेंट्स हैं मेरे उनसे पूछने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों तक एक बेहतर चीज़ पहुंच सके। इस पर अच्छी हाई ग्रेड की जॉब भी अच्छी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जूनियर सुपरिटेंडेंट का जो पे स्केल भी है अच्छा है, मतलब 11,200 से लेके 30,600 जिसमें का बेसिक पे है। साथ ही साथ इसकी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इसमें सिलेबस, इसका सिलेबस क्या पूछेगा। तो सिलेबस में आइए, देखिए सबसे पहले आपको करना है जो वह है जीके। जीके का पोर्शन काफ़ी अच्छा इसमें है। नंबर एक फिफ्टी जनरल अवेयरनेस, जीके जिसे कहते हैं, ये पूछेगा आपका 50 मार्क्स का। तो ये जो जीके जो आएगी आपकी, इसको मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में बता दे रहा हूँ आपको। CWC जूनियर सुपरिटेंडेंट JS, तो जो GK का आपका पार्ट है वो आएगा आपका 50 मार्क्स का। अब GK में महत्व है क्या, किसका, पॉलिटी पढ़नी है आपको, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में आप एनवायरमेंटल जरूर पढ़िएगा, और एनवायरमेंटल के साथ आप देखेंगे करंट अफेयर्स, और इसके अलावा इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन, ये इसका पोर्शन सबसे ज़्यादा रहेगा। कुछ दो चार क्वेश्चन अगर आपके इकोनॉमी के मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे। आजकल इतिहास से क्वेश्चन पूछ रहा, तो मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन पूछ रहा, और कल्चर से क्वेश्चन पूछता सबसे ज़्यादा। तो ये आपका बेसिक पॉइंट होना चाहिए यहाँ से करने के लिए। इसके अलावा इसमें है रीजनिंग है आपका, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो है वो है आपका 50 मार्क्स का। रीजनिंग में आएगी आपकी रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड दोनों का मिला करके आपसे पूछेगा। 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से, 25 क्वेश्चन कंप्यूटर से होंगे। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, 50 मार्क्स की है। और लास्ट में डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड,
तो इस पे मैथ्स भी है और डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि आप लोगों ने अगर कभी 11th वगैरह क्लास में अगर इकोनॉमी वगैरह के, या आपने कभी 10th क्लास वगैरह में भी अगर आपने मैथ्स पढ़ी होगी, तो आपको पता है डाटा वगैरह, चार्ट वगैरह, पाई चार्ट वगैरह, ये सब डाटा को निकालना, परसेंटेज रेशियोज करके निकालना, वो जो चीज़ें आती थी एग्जाम में, वो उनसे क्वेश्चन है। तो कुल मिला करके आपका 50 यहाँ से है, जीके का पार्ट पोर्शन होगा, प्लस 50 आपका जो पोर्शन होगा होगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का, प्लस आपका 50 जो होगा आपका डाटा इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, और प्लस आपका जो 50 होगा इस पे 50 50 50 50, वो 50 होगा आपकी जो होगा इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ का। और इसके लिए टोटल आपका है 200 मार्क्स। सेफ स्कोर आपको अभी से करके चलें कम से कम 110 से लेकर के 120। और उसके लिए ज़रूरी क्या है, पहले सिलेबस को जानना। सिलेबस को इतना ही सिलेबस दे रखा पहले, अब इसकी थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं पुराने पेपर के अकॉर्डिंग, कि पहले क्या प्रश्न पूछते हैं या किस प्रकार के प्रश्न पहले आ रखे हैं। तो उसकी अगर चर्चा करूँ मैं, तो जीके में जो प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछता है वो पूछता है पॉलिटी और करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा दूसरा पोर्शन इसमें होता है इकोनॉमी और ज्योग्राफी वाला पोर्शन। तीसरा पोर्शन इसमें आएगा जो पूछ रहा है आजकल, हिस्ट्री और मिसलेनियस से क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। मिसलेनियस का मतलब है प्योर जीके, कुछ भी उठा के पूछ रहे हैं, और उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये जो 50 मार्क्स है इससे बनेंगे, प्लस जो डे बाई डे जनरल साइंस है इनसे क्वेश्चन का पोर्शन सबसे ज़्यादा है और सेफ स्कोर माना जाएगा। रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड में, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर एप्टीट्यूड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जो नए सॉफ्टवेयर हैं, हार्डवेयर है या किसी प्रकार का वायरस है, इन सबसे संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। सुपर कंप्यूटर वगैरह इनका कॉन्सेप्ट है। और इसके साथ साथ जो आपका रीजनिंग में पार्टनरशिप, ठीक है, रिलेशनशिप जिसे कहते हैं, इसके अलावा आपका सबसे जो इंपॉर्टेंट कोडिंग डिकोडिंग से हमेशा क्वेश्चन रहता ही रहता है इसमें। नंबर सिस्टम जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग में आपने देखा होगा, पॉसिबल से फरवरी को हमने ABCD ले दिया तो जनवरी क्या लिखेंगे, ऐसे करके। साथ ही साथ इसमें क्लॉक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो ये आपको अच्छे से करके जाना है। इसके अलावा बात करूँ मैं अगर डाटा इंटरप्रिटेशन क्वांटिटी में, डाटा में तो सिंपल है, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा, 25 लगभग 20 से 25 क्वेश्चन होंगे। रहेगा मैथ का सवाल, तो मैथ में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे वो याद है नाव एंड दूरी वाला, चालन दूरी वाला क्वेश्चन एक, वो दूसरा क्वेश्चन, वो दो क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन उसमें सबसे ज़्यादा जो पूछने की संभावना है, जो उम्मीद रहती है पिछले सालों में पूछा है, पार्टनरशिप मतलब परसेंटेज रेशियो, इससे प्रश्न आते हैं, इसको आपको हर हाल में करना है। इसके अलावा नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछता है इसमें, कुछ क्वेश्चन पूछता है इसमें जो है मेंसुरेशन से, वो मेंसुरेशन भी कुछ आपको सॉल्व करके रखनी है या अपनी उसमें पकड़ रखनी है, यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है इसमें। इसके अलावा भाई इंग्लिश में आपको पैसेज वगैरह, पैसेज टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, और साथ ही साथ में सबसे ज़्यादा एनोनिम्स एंड सिनोनिम्स, राइट, विलोम समानार्थी शब्दों को लेकर चलना है, अभी से करना है आपको प्रैक्टिस। वहाँ मतलब इतने टफ प्रश्न आ जाते हैं कि मतलब आदमी समझ नहीं पाता इसका क्या मतलब, तो अभी से आपको अवेयर होना है, क्योंकि जब सब में आप थोड़ा थोड़ा क्रॉस करेंगे, मान लीजिए जीके में आपने ज़्यादा कर लिया, किसी का पोर्शन जीके स्ट्रांग हो तो किसी इंग्लिश स्ट्रांग होगी, किसी का मैथ स्ट्रांग होगा, तो आपको सब कुछ मिला करके चलना है ताकि कंप्लीट हो सके। अच्छा, अगर आप लोग हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमने के नॉर्मल सी फीस रखी है, ठीक है, नॉर्मल फीस करने का मतलब हमने जो रखा हमने ये है 1999, मतलब लगभग 2000 रुपये। इस पर आपको क्या दिया जाएगा, एक तो आपका पूरा का कंप्लीट होगा, क्या नाम है, पूरा का कोर्स, जो आपका पूरा कोर्स होगा इस पे आपका जीके मैथ कंप्यूटर सब पढ़ाया जाएगा आपको, उसकी वीडियोस और PDF उपलब्ध कराई जाएंगी, और इसके साथ साथ इसमें जो प्रोवाइड किया जाएगा आपको वो प्रोवाइड किए जाएंगे जो प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर होते, तो कुछ आपको डेमो, कुछ सैंपल, एक दो सैंपल पेपर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, तो लगभग 999 रुपये में समथिंग आपको 12 से 15 टेस्ट सीरीज जो भी उपलब्ध हो सकेंगे अच्छी, वो मतलब पूरी उपलब्ध कराएंगे। और अगर अच्छे मात्रा में ठीक है, स्टूडेंट ठीक पहुंच जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा रिड्यूस भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि छापने वगैरह में आपके लिए थोड़ा सा हमारे लिए महंगा पड़ जाता है, वही चीज़ है। बाकी हम पूरे सपोर्ट के लिए तैयार हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ साथ अगर कोई मान लीजिए साथ में करता ज्वाइन करता है कि वो चाहता टेस्ट सीरीज भी उसको मिल जाए और पूरा कोर्स भी हो जाए, तो हार्डली उसको उससे ली जाएगा 2300 रुपीज़। तो ये 2300 में टेस्ट सीरीज पूरे PDF वीडियोस, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपका पूरा 200 का प्रश्न है, तो बड़ी बड़ी लंबी टेस्ट सीरीज बनती है इसमें, तो ये भी प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके लिए करना क्या है आपको, कुछ नहीं,
एक नंबर दे रहा हूँ आपको, 7827282211। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है CWCJS, बस इतना लिखना है, CWCJS लिख करके आप मैसेज कर दी, मैसेज वही करें जो एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इससे ये मुझे रहेगा कि हाँ ये बहुत ज़्यादा सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, क्योंकि 155 सीट्स हैं, अच्छी वैकेंसी भी अच्छी है, जॉब भी है, जॉब प्रोफाइल भी इसका अच्छा है, और इन सब चीज़ों की जो प्रिपरेशंस भी ना हर जगह होती नहीं है, मुझे नहीं पता कहाँ होती कहाँ नहीं होता, मैं कराता हूँ, मुझे ना पता है। तो आप लोग अब बहुत ईमानदारी के साथ प्रिपरेशन करिए, अपना भविष्य बनाइए, और आपके इसमें थोड़ा सा भी अगर मैं सहयोग दे सकूं तो मैं बहुत बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। मिलता हूँ फिर कुछ नई वैकेंसी के साथ, कुछ नए टिप्स के साथ। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।